हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। कैसे हैं आप लोग? अभी तो समय ऐसा आ गया कि सब घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। वैसे दोस्तों, कल हमने पढ़ा था CDP का एक नया टॉपिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज मैंने बताया था आज के लिए कि आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं मिस्टर जीन पियाजे जी। वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मतलब इस पर बात की है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मिस्टर जीन पियाजे जी को, लेवाई गोत्स्की जी को, ब्रूनर साहब को, लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे जी का। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक का विकास। संज्ञानात्मक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ज्ञान। संज्ञानात्मक का मतलब थिंकिंग, ज्ञान। जैसे ही संज्ञान मतलब मानसिक प्रक्रिया, प्रोसेस है। मानसिक प्रक्रिया जब होगी, जब हम किसी चीज को मानसिक सोचना शुरू करते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई थिंकिंग होती है, कोई सोच होती है, तो अगर हम मानसिक प्रक्रिया करेंगे तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? सोच करेंगे, थिंकिंग करेंगे। अब थिंकिंग तो ऐसे ही नहीं होता है, तो थिंकिंग के लिए जब हम थिंकिंग करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं चिंतन प्रक्रिया। जब हम चिंतन करेंगे, तो अगर हम चिंतन करते हैं तो जब हमारे पास कोई समस्या होती है तभी हम सोचते हैं, तो समस्या अगर आएगी तो हम फिर उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। समाधान के लिए भी पूरा एक प्रोसेस होगा। अगर हम समाधान करेंगे तो फिर उसके समाधान के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर हम बुद्धि किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम जो हमारी पूर्व धारणा है, जो पूर्व प्रत्यक्षण है, उसके साथ हम उसको लिंक करते हैं। जब हम प्रत्यक्षण करेंगे, परसेप्शन करेंगे, तो उसका मतलब हम उसको धारणा करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे। जब हम धारणा करेंगे तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे? अपनी तर्क शक्ति, रीजनिंग लगाएंगे। और जब हम रीजनिंग लगाएंगे, जब इतना सारा प्रोसेस होगा, तो हम कुछ ना कुछ कल्पना भी करेंगे। कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान का अर्थ है पहले मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया चिंतन, फिर चिंतन प्रक्रिया, फिर समस्या, फिर समस्या का समाधान, फिर बुद्धि। फिर बुद्धि जब लगाएंगे तब हम क्या करेंगे? प्रत्यक्षण। फिर धारणा, धारणा के साथ फिर हम तर्क शक्ति लगाएंगे, फिर हम कल्पनाशीलता करेंगे। जब हम इतना सारा प्रोसेस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास का एक प्रोसेस, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, वैसे तो इस पे बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बात की है, लेकिन इस पे जो सबसे पहले नाम आता है दिमाग में और सोच में, वो आता है मिस्टर जीन पियाजे जी का। जीन पियाजे जी, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है 1896 में, और उनकी मृत्यु 1980 में हुई है। वैसे उनको तो उन्होंने बहुत सारी उनको उपलब्धि है, लेकिन उनको साइकोलॉजिस्ट का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट। 1922-23 में उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट में अल्फर्ट बिन्ने का साथ दिया था। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फर्ट बिन्ने का 1922-23 में किसने साथ दिया था इंटेलिजेंस टेस्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर जीन पियाजे जी ने उनको सहयोग दिया था, उनको साथ दिया था। वैसे जीन पियाजे जी को ज्ञान मीमांसा का जनक भी कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा मतलब जेनेटिक एपिस्टोलॉजी का। जैसे ही हमारे पास जेनेटिक आता है तो जेनेटिक में हम किस किस पे बात करेंगे? जैसे जेनेटिक आता है तो जाहिर सी बात है कि हम जनरेशन से बात करेंगे, जीन का बात करेंगे। जहां जीन आएगा तो वहां पे हम हेरिडिटी का बात करेंगे। हेरिडिटी अगर आती है तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने बहुत से कुछ स्टेजेस दिए हैं, और जहाँ इन्होंने स्टेजेस दिए हैं तो उसके साथ हमारा एज भी आता है। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि मिस्टर जीन पियाजे जी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने इनका जन्म हुआ था 1896 में स्विट्जरलैंड में, तो इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी स्विट्जरलैंड में ही। उसके बाद इन्होंने साइकोलॉजिस्ट पे बात की, संज्ञानात्मक विकास पे बात की। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्होंने कहा कि जो बच्चा होगा वो एक्टिव लर्नर होगा, बच्चा जो होगा वो एक्टिव होगा, खुद से सीखेगा, खुद से चीजें करेगा। तो जीन पियाजे जी की जो एक महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उनकी महत्वपूर्ण स्टेजेस में आता है पहला संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा
जन्म से लेके 2 वर्ष तक की एज के बच्चे को इसमें रखा जाता है, संवेदी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी, मतलब बच्चा अपने सेंस का यूज करता है, वो बोल नहीं सकता, वो क्रिया नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से अपने सेंस का यूज करता है। जब बच्चा एक जन्म लेता है तो वो सबसे पहले रोता है, मतलब वो अपने सेंस, उसको जन्म लेने के साथ ही उसको पता है कि उसको रो के अपनी कोई बात को प्रकट करनी है। जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्शन एक्शन भी कहा जाता है। इसमें बच्चे, इसमें जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार इसमें आता है, और इसके साथ वस्तु स्थायित्व, गोल परमानेंस आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। इस संवेदी कामक में बच्चा पूरी तरीके से अपने सेंस का यूज करता है, सोचने में, बोलने में, और उसके बाद बाकी सब चीजों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेजेस आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। जैसे मैंने बताया कि हमारा नेक्स्ट स्टेजेस आता है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा हमारा 7 से 2.5 से 5 साल, 2 से, जैसे मैंने बताया जब उसमें 0 से 2 होता है, इसमें बच्चा हमारा 2 से 7 साल तक की एज का आता है। उसके बाद इसमें जो बच्चे में कमी होती है, सबसे पहले तो बच्चे में, इसमें जो बच्चा देखता है उसी को वैसा मानता है, बच्चा इसमें व्यवहार करना सीखता है, बच्चा इसमें ईगो सेंट्रिक होता है, अपने बारे में सोचता है। इसमें बच्चा की तर्क शक्ति बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, वो तर्क नहीं कर सकता। उसके बाद बच्चा में इसमें रिजर्व की कमी होती है, मतलब किसी चीज को वो आगे या पीछे नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम उसको, बच्चे को बताते हैं कि 10, तो 10 से पहले 9 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, तो रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है बच्चे में। उसके बाद बच्चा इसमें खुद से बातें करता है, इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है। इसमें बच्चा जैसे देखता है, जनरल थिंकिंग करता है, लोगों के जैसे जनरल सोचता है। इसमें बच्चा फेरी टेल की स्टोरी सुनता है, वो पसंद करता है। इसमें भी हमारे 2 चीजें आती हैं, जनरल ऑपरेशन स्टेज में भी 2 चीजें आती हैं, एक होती है हमारी जीववाद और दूसरी होती है आत्म केंद्रित, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, उसका एक अलग से टॉपिक होगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हमारा 2 स्टेजेस मैंने आपको बताए, जैसे हमारा पहला था सेंसरी मोटर स्टेजेस, सेकंड था हमारा प्री ऑपरेशनल, अब है हमारा थर्ड ऑपरेशनल, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में हमारा होता है, सॉरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, जिसमें 7 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट तेजी से होता है, बच्चा बहुत सारी चीजों पर फोकस करने लगता है, उसकी मतलब अलग अलग चीजों पे वो ध्यान देने लगता है। बच्चा क्या कहते हैं, अपने दोस्त बनाने लगता है, वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगता है, क्रम में चीजें लगाना शुरू कर देता है। बच्चा अलग से चीजों को रिवर्स करना सीख जाता है कि 10 के बाद 11 आएगा, 9 आएगा, कौन सी चीज आगे आएगी, कौन सी चीज पीछे आएगी। मापना सीख लेता है, कौन सा चीज ये छोटा है, ये बड़ा है, आयतन, मापन, ये सब चीजें बच्चा इसमें सीखना था। विभेदीकरण बच्चा सीखता है इसमें कि कौन सी चीज को कहाँ लगानी है। 10 चीजें दे देंगे उसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, और उसको छांटने के लिए बच्चे को दे देंगे, तो बच्चा उसमें से छांटना शुरू कर देता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 7 से 11 साल में बच्चे का अच्छा विकास हो जाता है, बच्चा क्या क्या करने लगता है। और उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेजेस है हमारा औपचारिक अवस्था, जिसको हम सॉरी अमूर्त अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं 11 से अधिक वर्ष के लिए। इसमें बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, अमूर्त मतलब जो चीज उसे दिख नहीं रही है, उस चीजों के बारे में, इंटेंजिबल चीजों के बारे में भी बच्चा निगमात्मक सूत्र से कैसे आगे बढ़ा जाएगा उसके बारे में सोचना, जैसे एग्जांपल्स दे दे के बच्चे चीजें सीखना लगता है, सीखने लगते हैं। उसके बाद चिंतनशील होने लगता है बच्चा कि आगे उसको क्या करना है, कैसे उसको स्टडी करनी है, कैसे वो अपनी स्टडी को अच्छा बना सकता है, कैसे वो अपनी स्टडी के लिए आगे बढ़ सकता है, इस सब के बारे में बच्चा सोचने लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी 4 स्टेजेस, इसके ये 4 स्टेजेस में भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें से आपको सीटेट में तो 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था, इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। फिर जैसे मैंने आपको बोला प्री ऑपरेशनल, इसमें आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है पेपर में, तो आप इस सबको अच्छे से कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का, फिर उसके बाद ऑपरेशनल, ये 4 अवस्था हमारी अहम अवस्था, वैसे तो अलग अलग
राइटर्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसकी अलग अलग अवस्थाएं दी हैं, बट मैं आपको कहूंगी कि जिन पियाजे जी की ये चारों अवस्थाएं आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद जैसे कि मैं आपसे बात करूंगी कि जिन पियाजे जी ने और किस किस चीज के बारे में बात की है, जिन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चा एक्टिव लर्नर होगा, बच्चे का जो ज्ञान है उसका विकास बच्चा खुद से करेगा, किसी भी चीज को बच्चा लर्निंग बाय डूइंग तरीके से करेगा, पहले उसको सीखेगा फिर बच्चा उसे खुद से करेगा, उसको किसी से देख के करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है इनकी, जिन पियाजे जी का। आगे मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज मेरे टॉपिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आगे मैं आपसे इतना बताना चाहूंगी कि अभी जैसे कोरोना टाइम है तो अभी तो सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम अब ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम दूर है, होंगे एग्जाम जरूर होंगे, चाहे 2 महीना लेट होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या कि आपको प्रिपरेशन तो पहले से होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, कहते हैं ना कंसिस्टेंसी मास्टर ऑफ द की होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। मैं इसीलिए कोई लंबा टॉपिक नहीं बनाती हूँ, बेशक एक छोटा सा टॉपिक बनाती हूँ, लेकिन हाँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसका मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मैं उसको आगे से सुधार करूं और अच्छे से करूं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं आपसे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बात की है। तो अभी जैसे मैंने आपको जिन पियाजे जी के बारे में बताया, अब हमारे लाइव वाइगोट्स की हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जैसे अभी हमारी देख रहे हैं आप कि अभी कितनी सारी वैकेंसी आई हैं, अभी सीटेट आपका आने वाला है जुलाई अगस्त में, फिर अभी जैसे हमारे डीएसएसबी की वैकेंसी आई है, तो सीडीपी तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एक चीज में देखने को मिलता है। तो सीडीपी को आप अच्छे से कीजिए, उस पर आप अपनी मास्टरी कीजिए, उस पर आप अपनी अच्छे से कमान रखिए, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टीचिंग का लाइन में है आप तो 0 लेवल से लेके अपर लेवल तक आपको हर लेवल में थोड़े थोड़े का ही, लेकिन सीटेट में तो आपको जैसे मैंने बताया 90 मार्क्स का है, 30 मार्क्स और 15-15 मार्क्स का, तो सीटेट में तो बहुत ज्यादा ही है। और डीएसएस भी है, फिर आपका भी आने वाला रीट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, सब में ही सीटीपी है। तो इसको अच्छे से कीजिए। और आगे अब जैसे अब हम डीएसएसपी के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में भी मैं कभी एक दिन वीडियो जरूर बना के डालूंगी, उसको देखना ना भूलिए। और आगे मैं आपसे इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच, अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।